हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जैसे कि इससे पहले इसका अपडेट बराबर देते रहा हूं, लेकिन अब जाके इसका फाइनल लुक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यह सड़क बन के पूरी तरह से तैयार है। चाहे ड्रेन लाइन का काम हो, चाहे रंग रोपण का काम हो, सबका सब काम हो गया है। इधर आप लोग अगर जाते हैं दलन से पूर्णिया की ओर, तो रास्ता आप लोग को पूरा बन के तैयार देखने के लिए मिल जाएगा। और बीच में जो रौतारा में टोल गेट है, वो भी बन के तैयार है पूरी तरह से। अब बस कुछ दिन का और इंतज़ार, उसके बाद आप पूर्णिया से मनिहारी बड़े आराम से जा सकते हैं इस फोर लाइन से। अभी फिलहाल 3-4 फ्लाईओवर है, सब पे तेज़ी गति से काम चल रहा है, लेकिन मनिहारी साहेबगंज का जो गंगा ब्रिज है उस पर भी तेज़ी गति से काम चल रहा है, लेकिन पानी बरसने के कारण जलस्तर जो गंगा का है उसमें थोड़ा धीमी गति आया है। लेकिन यह प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी फिलहाल अगर सीमांचल क्षेत्र के लोग जो है अगर जाना चाहते हैं साहेबगंज, तो एक ही सहारा है, गंगा नदी से पार कर पाते हैं या फिर भागलपुर से होकर लंबी दूरी तय करके साहेबगंज जा सकते हैं। और इधर से आप लोगों को बहुत ही सुविधा मिलने वाला है। यह सड़क पूरी तरह से बन के तैयार है। अभी फिलहाल अगर आप लोग पूर्णिया से कटिहार, कटिहार से पूर्णिया मनिहारी की ओर जाते हैं, तो रास्ता बना हुआ देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। और बीच में कुछ कुछ फ्लाईओवर है, उस पर काम चल रहा है। अगर यह फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएगा तो पूर्णिया से मनिहारी बड़े आराम से इस फोर लाइन से आप लोग जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, लाइट का काम हो या फिर रंग रोपण का काम हो या ड्रेन लाइन का काम हो, सबका साफ काम कर लिया गया है। एक भी काम आप इधर पूर्णिया की ओर नहीं बचा हुआ है। और बीच में रौतारा में जो टोल गेट है वो भी बन के तैयार है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद टोल गेट नज़र आएगा आप लोगों को, और यह टोल गेट भी बन के तैयार है पूरी तरह से। बस जैसे कि यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाता है, तो इस रास्ते में जाने के क्रम में आप लोगों को अगर फोर व्हीलर से जाते हैं तो यहां पे आप लोगों को टोल देना पड़ सकता है। जैसे कि यह रौतारा में टोल गेट बनाया गया है, और यह जो है एक हो सकता है साहेबगंज की ओर भी टोल गेट बनाया जाए, लेकिन एक जो है पूर्णिया की ओर बनाया गया। जैसे कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आप लोगों को टोल गेट नज़र आ रहा होगा, पूरी तरह से बन के तैयार है। बस कुछ दिन का और इंतज़ार होने के बाद आप लोग इधर से जाते हैं, आप लोगों को टोल देना पड़ सकता है, क्योंकि यह इस प्रोजेक्ट पे काम तेज़ी गति से चल रहा है। यह एक प्रोजेक्ट अलग है जो कि पूर्णिया से नारायणपुर तक है, और दूसरा प्रोजेक्ट नारायणपुर से साहेबगंज तक है। तो एक प्रोजेक्ट अगर पूर्णिया से नारायणपुर तक पूरा कर लिया जाता है, उसके बाद इस रास्ते से जाने के क्रम में आप लोगों को टोल देना पड़ सकता है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है नारायणपुर से साहेबगंज तक है, वो अलग प्रोजेक्ट है, उधर भी काम तेज़ी गति से चल रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कह लीजिए 2024 से भी पहले पूरा किया जा सकता है, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट जो है नारायणपुर से साहेबगंज, वो हो सकता है कि 2024 तक पूरा कर लिया जाए। अगर जल स्तर सही रहा गंगा नदी का, तो जो मनिहारी साहेबगंज का गंगा ब्रिज है उस पर काम तेज़ी गति से किया जाएगा, तो हो सकता है वो भी 2024 तक पूरा कर लिया जाए। अगर 2024 तक नहीं पूरा किया जाता, 2024 के अंत तक ज़रूर पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल इधर का नज़ारा इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देते हैं। बीच बीच में आप लोग को पेड़ पौधे भी देखने के लिए इधर मिल जाएगा। तो चलिए आगे थोड़ा सा और आप लोग देखिए इधर का सड़क का कैसा नज़ारा है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.